नाता तो नया है और जल्दी बहुत पुराना भी हो जाएगा क्योंकि अभी बहुत काम करना है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। और जैसे मैंने जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तब कहा था कि मैं अब सबको जानना चाहती हूँ और प्राइड मंथ में सब बातें बहुत करते हैं, लेकिन मुझे इन सब के साथ टाइम स्पेंड करना था। और मेरे फैंस ये चाहते थे कि मैं एक दिन नववारी साड़ी पहनूँ, नथ पहनूँ, तो मैंने सोचा इससे अच्छा और मौका क्या हो सकता है। तो इसलिए डिसाइड किया कि सिर्फ मैं ही क्यों महाराष्ट्र साड़ी पहनूँ, मैं सबको पहनाऊँगी। तो सबके लिए हमने साड़ियाँ भेजी, लड़कों के लिए कुर्ते भेजे, साफा भेजा और आज हम मज़े करने वाले हैं। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, बहुत काम करना है। अब मुझे भी नहीं पता, कुछ सरप्राइज है ऐसे मुझे बताया गया, पर मुझे भी आइडिया नहीं कि क्या होने वाला है। पर डांस तो होगा, मैं तो पक्का करूँगी, चिराग भी पक्का करेगा। और खाना है, इनके हाथ का खाना मैंने लास्ट टाइम खाया था जो मुझे बहुत पसंद था, तो वो खाना भी खाना है। ये जो आपने लॉकअप में कहा था कि आप इस तरह का काम करने वाले, तो क्या क्या आपकी क्या है गोल्स, कुछ अगर आप बताना चाहेंगे, क्या क्या गोल्स है, क्या क्या करने वाली आप? सबसे पहले तो जो बेसिक रूल्स है, जो बेसिक लॉज है, उनको मुझे चेंज करना है, उनमें चेंज लाना है। तो फॉर एग्जांपल, मैं रिसेंटली एग्जांपल देती हूँ, एक्चुअली मैं ब्लड डोनेट करने जा रही थी और मैं पहले भी करती थी एज डॉक्टर, लेकिन मुझे कॉल आया कि मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक ट्रांसजेंडर औरत हूँ। और मुझे काफ़ी शॉक लगा ये बात जानकर, और मैं ओ नेगेटिव ब्लड टाइप, तो मेरा ब्लड वैसे ही प्रेशियस है बोल सकते हो, आई एम यूनिवर्सल डोनर। लेकिन 2017 में ब्लड डोनेशन रूल जो बनाया था, जो रेफरल बनाया था, उसमें ये लिखा गया है कि ट्रांसजेंडर मेन एंड वीमेन, एनी वन बेसिकली फ्रॉम द LGBTQIA कम्युनिटी, हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। और उसका रीज़न ये है कि वी फॉल इन द हाई रिस्क कैटेगरी टू ट्रांसमिट डिजीजेस, विच आई थिंक इज़ अ जोक, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि मैं सुबह शाम बस अनप्रोटेक्टेड सेक्सी करूँ, मतलब हम पे वो एक डिस्क्रिमिनेटरी धब्बा लग गया, एक स्टैम्प है। सो थिंग्स लाइक दीज आई वॉन्ट टू चेंज, एंड इफ आई हैव अ वॉइस आई विल टॉक अबाउट इट एंड आई विल स्क्रीम अबाउट इट इज वेल। तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, कुछ ऐसे काम करने हैं जिनमें चेंजेस आए। अभी क्योंकि मैं 17 साल से एक डिज़ाइनर रही हूँ, मेरा वो प्रिविलेज है, मेरी वो रिस्पेक्ट है, मेरी वो पहचान है, इसलिए मुझे आसान रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक एक की स्टोरीज अगर सुनेंगे, उनके जो बैटल्स हैं, अगर उनको जॉब चाहिए तो भी इतने, मतलब इट्स यू कांट इवन स्टार्ट के कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। अब क्योंकि मैं प्रिविलेज से हूँ, तो मेरी मदद से अगर इनकी लाइफ इजी हो, अगर हमारी लाइफ इजी हो, हमारे लॉज इजी हो, हमारी प्रोटेक्शन इजी हो, तो दैट इज़ माय गोल इवेंचुअली। फिलहाल तो सिचुएशन अच्छी नहीं है। प्राइड मंथ में सब जाग जाते हैं, प्राइड मंथ खत्म होता है सब सो जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो मैंने प्राइड मंथ के बारे में भी इनको ये लास्ट टाइम बताया था कि प्राइड मंथ में अगर आपको कैपिटलाइज करने मिल रहा है तो करो, बिकॉज ये महीने में जितना पैसा कमा सकते हो, इधर इंटरव्यू उधर सब जगह दे के जितना कमा सकते हो कमाओ, कैपिटलाइज ऑन द प्राइड मंथ, बिकॉज एटलीस्ट ये एक महीने में लोग हमारी स्टोरी सुनना चाहते हैं। यार फर्स्ट ऑफ ऑल जब मुझे ये मालूम पड़ा था शी इज एक्चुअली गॉन टू दिस एनजीओ एंड शी हैज स्टार्टेड हर वर्क, आई वाज वेरी हैप्पी पहली बार देख करके। एंड सेकंड टाइम व्हेन शी इज कमिंग ओवर हियर अगेन एंड डूइंग ऑल दिस एक्टिविटीज लॉकअप में लोगों के लिए, जैसे लॉकअप में उन्होंने एक चीज़ कह दी थी, वैसे ही दुनिया में बहुत सारे लोग हैं उनकी ये चीज़ बोलना आसान होता है कि यार हम हमारी इतनी अर्निंग्स इसमें देंगे, इतना सब कुछ एक अच्छे कॉस्ट के लिए देंगे, बोलना आसान होता है। बट देन देर आर पीपल लाइक हर हु आर एक्चुअली गोइंग ऑल आउट एंड डूइंग दैट थिंग।
and honestly and religiously she is doing it. Coming to the place again and getting to know all of the stories that she has told me before as well, I think that's a big hats off to her that she is bringing a change in the society. So mere liye, I think I'm really curious to know ki abhi kya activities hone wali hain. Because Naman ne bhi aane se pehle keh diya tha ki kuch to surprise hai. Abhi pata nahi kya surprise hai, but I'm curious. So I'm really happy and curious ki kya hone wala. I think मेरे लिए ये बहुत सिंपल बात है, actions speak louder than words. क्योंकि अगर मुझे community को inspire करना है तो मुझे उनके लिए काम करना ज़रूरी है, उनके साथ काम करना ज़रूरी है. क्योंकि जितना मैं इनके साथ काम करते हुए दिखूँगी उतना और लोग आगे बढ़कर भी काम करेंगे. बिकॉज बोलने वाले बहुत सारे हैं, करने वाले कितने हैं, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है. और क्या इमोशंस लोगों का चेंज हुआ है सालों में सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ों से लॉस आने से, क्या लगता है लोगों के माइंड से? आई थिंक सोशल मीडिया के वजह से एक अवेयरनेस आ गई है, लोगों को अब जानकारी मिल रही है. लेकिन क्या बुलिंग ख़त्म हो गई है? नहीं. क्या स्टिग्मा ख़त्म हुआ है? नहीं. वो मैं मेरी फैंसी गाड़ी में आती हूँ, गाड़ी में बैठ के चली जाती हूँ, तो मुझे तो ये सब कुछ फेस करने नहीं पड़ता. लेकिन जब ये यहाँ की जो लड़के लड़कियाँ हैं जो बाहर जाते हैं, उन्हें तो ये एवरी सेकेंड झेलना ही पड़ता है. और ये कब रुकेगा? जब इनको रिस्पेक्ट मिले. उनको रिस्पेक्ट कब मिलेगा? जब इनके लाइफ हो. तो सोसाइटी में अगर उनकी एक पोजिशनिंग हो, रिस्पेक्टफुल पोजिशनिंग हो, ओनली देन दिस स्टिग्मा विल स्टॉप. आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी फ़िलहाल प्रोटेक्शन राइट्स होनी चाहिए. बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज किड्स आर ईदर थ्रोन अवे फ्रॉम देयर हाउसेज और देव रन अवे फ्रॉम देयर हाउसेज. तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ लॉज होने चाहिए. बिकॉज प्रोटेक्शन भी नहीं होती, अ लॉट ऑफ देम ऑल्सो कमिट सुसाइड. तो आई फील फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोटेक्शन लॉज, सेकेंडली लीगल डॉक्यूमेंट्स, फाइनली आई फील कोटा होना चाहिए. एक दे ऑल शुड हैव अ कोटा. अभी मैं बताऊं आपको, यहाँ आने से पहले मुझे ट्रांस वीमेन की स्टोरीज पता थी. यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ट्रांस मेन की स्टोरीज कितनी ज़्यादा खतरनाक है. और एक 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 स्टोरी ऐसी है जो एक्चुअली बहुत कॉमन है सब में, कि उनके जो भी मैं अभी ऑब्वियसली नाम नहीं ले सकती, जो भी ट्रांस मैन आए हो, जो भी मैन आए हो, वो एक्चुअली में लड़कियाँ थी, राइट? और उनके पेरेंट्स यहाँ तक पहुँच गए थे, धमकियाँ तक हुई थी, पुलिस स्टेशन में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जबकि वो 18 ईयर्स अब भी है. तो आई रियलाइज दैट ट्रांस मैन की जो बैटल है वो भी बहुत इंटेंस है. और ट्रांस वीमेन दिखने में आती है इसलिए उनकी स्टोरीज आप जान पाते हो, लेकिन ट्रांस वीमेन दिखने में आती है इसलिए आप यू नो देयर स्टोरीज, बट ट्रांस मैन आर नॉट विजिबल दैट मच. उनकी स्टोरीज पता नहीं चलती, उनके अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है वो मुझे यहाँ आकर पता चला. अच्छा, इसके अलावा आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की आज आपने क्या वेयर किया है बताना चाहेंगे? आपने गुलाब लगाया है, साड़ी पहनी है, क्या बताना चाहेंगे? मैं महाराष्ट्रीयन हूँ तो ऑब्वियसली मैंने नवारी साड़ी पहनी है और ब्लू मेरा सेकंड फेवरेट कलर है. लाइक जैसे मैंने कहा कि मेरे फैंस बहुत टाइम से मुझे बोल रहे थे कि आप एक नवारी साड़ी पहनो, एक नवारी साड़ी पहनो, एक नवारी साड़ी पहनो. तो मैंने सोचा कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम. पर मैंने खुद से ड्रेप नहीं किया, मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ, इतनी भी ये नहीं कि मुझसे आज खुद से ड्रेपिंग हो. और मैंने मेरे असिस्टेंट को बोला था जाओ कोई अच्छी सी साड़ी लेके आओ, तो ये मेरे असिस्टेंट के ला के दिए. अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे माहौल एकदम फुल सस्पेंस जैसा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लॉकअप का कोई नया टास्क आएगा, तो खैर क्या क्या यहाँ पे होगा और क्या साइसा के लिए स्पेशल इंतजाम यहाँ पर है? ओके, सो जैसे साइसा जी ने बोला कि वो लास्ट टाइम भी आकर गई थी और यहाँ पर इस बार आएंगे तो कुछ स्पेशल करेंगे हम. सो ऐसे ही प्रॉमिस उन्होंने हमारे लिए इतनी ब्यूटीफुल साड़ियाँ भेजी एंड ट्रस्ट मी एवरीबडी लव्ड इट.
के हमने अभी ये सोचा है कि हमारे पास बहुत सारे परफॉर्मर्स हैं अलग अलग टाइप के, जैसे डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं, कोई कॉमेडी करता है, तो हमने एक महाराष्ट्र फीलिंग को टच करके हम लोग ने वो चीज़ें सेट की है जो कि एक सरप्राइज के रूप में हम साइशा जी के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी और स्पेशली हमने महाराष्ट्र की, हमारे पास बोलते कुछ अगर स्पेशल ओकेजन होगा तो महाराष्ट्र की खीर बनती है, तो हमने खीर बनाई है। मैं बहुत ज़्यादा इंतजार कर रही हूँ, और जैसे आपको बताओ का लॉकअप में मैं एक चीज़ की दीवानी हो गई थी, वो थी चाय, तो मुझे ऑफकोर्स यहाँ की चाय भी फिर से पीनी है। आई थिंक मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप हमारी कम्युनिटी को पहले तो रिस्पेक्ट दें, दूसरा सिर्फ प्राइड मंथ में हमें याद ना करें, साल भर याद करें। वी ऑल जस्ट नीड लव एंड एक्सेप्टेंस, वी ऑल जस्ट नीड रिस्पेक्ट एंड नथिंग एल्स। एंड आई प्लान टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस फॉर माय कम्युनिटी, तो बस सपोर्ट करते रहिए मेरे फैंस, प्यार देते रहिए, ताकि मैं ऐसे सिचुएशंस में आके मेरे दोस्तों की हेल्प कर सकूँ और उनकी लाइफ इम्प्रूव कर सकूँ। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं करूँगा। Can we speak about Tweet Foundation? Of course. Okay, so मैं थोड़ा सा Tweet Foundation के बारे में आप सबको बता देती हूँ। Tweet Foundation एक ट्रांसजेंडर्स को अपलिफ्टमेंट और एम्पावरमेंट करने के लिए एक छोटा सा सब ग्रुप था जो 5 या 6 जन का था। आज वो बहुत बड़े रजिस्टर हो चुका है, आज वो बड़ा एक NGO है, रजिस्ट्रेशन के साथ एक लीगल डॉक्यूमेंट के साथ हमारा NGO है, जहाँ पर हम सारे ट्रांसजेंडर्स का एम्पावरमेंट देते हैं, जैसे कि एक डिग्निटी वाली लाइफ देते हैं। जितने भी ट्रांस वुमेंस हैं उनको हमें कहीं ट्रेन में या फिर सिग्नल्स पे हमें भीख मांगते हुए नहीं देखना है, उनको एक स्टडी देकर उनको एक डिग्निटी वाली लाइफ देनी है। तो यहाँ से हम स्टडीज़ के बारे में उनको बताते हैं, हम उनको स्टडीज़ करवाते हैं, और उसके बाद हम जॉब प्लेसमेंट्स भी देते हैं। नॉट नेसेसरी कि वो एक इंटरव्यू के बाद लग ही जाता है, नहीं, हमें ऐसे क्रैक करने पड़ते 2-4 इंटरव्यूज, बट देन वी डू दैट ऑल्सो फॉर ट्रांसमैन। ट्रांसमैन की सिचुएशंस बहुत खराब होती है, बिकॉज वो जन्म लेते हैं स्त्री के बॉडी में, तो वो एक कम आउट करके अपने स्टेप बाहर आते हैं, तो उनको हमें ना सारा प्रोटेक्शन देना पड़ता है, जैसे कि हम पुलिस की मदद लेके हम उनसे बात करते हैं कि ऐसे ऐसे सीज है, तो समटाइम पुलिस हेल्पफुल होती है, बट वेन इट कम्स टू फैमिली तो पुलिस का एक ही स्टेटमेंट होता है कि वो उनकी लड़की है तो उनको पहले डिसीजन लेने दो। सेकेंड स्टेटमेंट, अगर ये चाहता है कि ये हमारे पास रहेगा, आपके NGO के पास रहना चाहता है, तब हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास स्टेटमेंट लेटर होगा। सो ये सारी चीज़ें हम ट्वीट फाउंडेशन से करते हैं, और बस छोटा सा इनिशिएटिव है कि हम ट्रांसजेंडर्स को एक डिग्निटी वाली लाइफ देना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, NISD के साथ मिलकर हम ट्वीट फाउंडेशन वाले चला रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट का नाम है गरिमा ग्रह। गरिमा इटसेल्फ इज अ डिग्निटी, तो ये डिग्निटी वाला घर है हमारा, छोटा सा प्यारा सा।